Yes, 7th class, exercise 1.3 and question number 9. Question number 9 is, replace the blank with an integer to make it is a true statement. आपने ये blank जो दिए गए हैं, इसमें कुछ ऐसा number डालना है जिससे कि आपकी statement जो है वो true हो जाए, integers जो है सही हो जाए. अब देखिए -3 को मैं किससे multiply करूँ कि 27 हो जाए. तो आपने क्या करना है, 27 को -3 से divide करना है. तो 3 9 27. अगर आपका यहाँ पे बड़ा नंबर आता है, ये तो आपके छोटे नंबर आप इजीली कर सकते हो. 3 9 27, 3 की टेबल आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे जो आंसर है हमारा प्लस में है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तभी मल्टीप्लाई का आंसर पॉजिटिव होगा. और ऐसे इसका बी पार्ट है. अब देखिए आंसर इसका नेगेटिव है, यहाँ पे नंबर पॉजिटिव है, इट मीन्स ये नंबर जो होगा आपका नेगेटिव होगा 110%. ओके, अब आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 35 आ जाए. तो 5 7 जा 35. अब यहाँ देखिए, यहाँ आंसर माइनस में है, तो माइनस का नंबर आपको दिया हुआ है, तो ये नंबर आपका प्लस का रहेगा, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा नेगेटिव आएगा. तो अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आ जाए. तो आप क्या लिखोगे, 8 7 जा 56, यहाँ पे 7 आएगा. नाउ डी पार्ट, डैश इंटू -12. अब देखिए आंसर पॉजिटिव है, इट मीन्स ये नंबर भी आपका नेगेटिव होगा. अगर आंसर पॉजिटिव है, ये दोनों मल्टीप्लाई जिनको किया गया, मल्टीप्लिकेंट जिसको बोलते हैं, दोनों नेगेटिव होने चाहिए. अब आपका ये नंबर कैसे पता चलेगा, देखिए तो इजी थी, छोटी टेबल थी, ये आपकी बड़ी टेबल है. तो आप क्या करोगे, जो ये आंसर है इसको 12 से डिवाइड करोगे, तो ये आपका आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद 11. तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई करोगे, आंसर विल बी 132, और दोनों नेगेटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा.